मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में आयोजित राधा स्वामी सत्संग व्यास के समागम में उपस्थित होने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की ओर लगी हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी अब निम्न स्तर पर हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का वे सम्मान करते हैं, इसलिए वे उनकी बयानबाजी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करते। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रियों व विधायकों की परफॉर्मेंस का पैमाना लोकसभा चुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र से लीड है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की 3 रैलियां होंगी। इसके अलावा प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेता आने वाले दिनों में 4 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि विधानसभा चुनाव में जिन निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा की हार हुई थी और लोकसभा चुनाव में उन निर्वाचन क्षेत्रों से बढ़त मिलती है तो उन क्षेत्रों के नेताओं को सम्मान भी दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ऐसी हल्की टिप्पणियां करना ये कांग्रेस नेताओं का स्वभाव बन गया है, चाहे छोटे नेता हैं चाहे बड़े नेता हैं। वीरभद्र सिंह जी को मैं बड़ा उम्र के हिसाब से उनको सम्मान करता हूं, मैं उनकी बातों पर रिएक्ट भी नहीं करता हूं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में जो एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है उसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अंकुश लगाने की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा हमारा ये मानना है कि सब लोग काम करें, ज़्यादा मेहनत के साथ काम करें, और निश्चित रूप से जो विधायक हमारे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव 2022 में होना है उसके लिए इनको एक रास्ता बनाने का, सरल रास्ता बनाने का एक माध्यम मिलेगा। तो इसलिए हमने सबको कहा है कि मेहनत करें, मेहनत नहीं करेंगे परफॉर्मेंस देखिए चुनाव में एक मुद्दा होता ही है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली हम जो है उसको एनफोर्स कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से बड़ी बढ़त दें, और ये एक पैरामीटर रहेगा। गुण दोष के आधार पर सारी चीज़ें तय करेंगे, चर्चा करेंगे पार्टी के नेतृत्व के साथ, और बहुत सारी चीज़ें और होती है, किसी को चेयरमैन बनाना, वाइस चेयरमैन बनाना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसको संतुलित किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की रैली 10 तारीख को मंडी पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस में मंडी में है। टेंटेटिव जिस डेट, दूसरी डेट जो है अभी इसको फाइनल होना बाकी है, 13 तारीख की जो है डेट जो है हमारी शिमला पार्लियामेंट के लिए, उसको हम प्लान कर रहे हैं कि सोलन में उस रैली को किया जाए। और उसके साथ साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 3 रैलियां 12 तारीख को, एक चंबा, एक बिलासपुर और एक नाहन, ये कार्यक्रम अभी तय हुए हैं। और उसके साथ साथ में राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं और नेता भी हिमाचल प्रदेश में आने की उपस्थिति में है। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।